गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, आप सब कैसे हैं? सुबह होती है मेरी झाड़ू से और ख़त्म भी वही झाड़ू से ही होती है, क्योंकि हम लोग रात को भी थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू करके सो जाते हैं, जिससे कि काम थोड़ा हमारा सुबह हल्का हो जाए और सारा दिन घर में ना एकदम कचड़ा सा हो जाता है। और मैं बार बार झाड़ू नहीं लगा सकती। हाँ, रात को थोड़ा झाड़ू लगा के साइड में रख देती हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं फेंकती कचड़ा, क्योंकि रात को ना हम लोग कचड़ा बाहर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि माना जाता है लक्ष्मी जी घर से निकल जाती है अगर हम लोग रात को अगर झाड़ू लगा के बाहर फेंक दें। हाँ, झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन आप साइड में रख दो कहीं पर तो फिर चलता है। एंड अभी ना मैं पूरा जो रूम है वो भी साफ़ कर दिया है झाड़ू लगा के। देखो कितना सारा कबाड़ निकला, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो एकदम रोड साइड में है, तो इसलिए फिर दिक्कत हो जाता है। रोड साइड में घर होना मतलब धूल धूल ही धूल। और सबसे पहले तो मैं कुछ बोतल खाली हो गया था उनमें पानी भरूँगी, क्योंकि ना गर्मियों में लाइट चला जाता है तो दिक्कत होता है। अभी तो चलो इन्वर्टर का लाइट का तो टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने नया वाला इन्वर्टर लगा दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यार पहले बहुत दिक्कत होता था, आधा घंटा भी नहीं होता था कि इन्वर्टर को टॉन्टों करने लग जाता था और हम लोग गर्मी में परेशान हो जाते थे, तो इसलिए इस बार तो बहुत अच्छा हुआ है। और अभी जो है ना मैं सब क्लीन कर रही हूँ। देखो मेरा शू रैक एकदम गंदा हो गया है और ये धूल रोज़ ही गिरता है, रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। इस रूम में भी बहुत कचड़ा फैल गया है। इस रूम में ना माधव और साक्षी आके शैतानी करते हैं, तो इसलिए मैं इस रूम को भी साफ़ सफाई करके रखूँगी अभी, और सीधे कल ही मैं बेडशीट को चेंज करूँगी, क्योंकि अभी बेडशीट क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अभी काफ़ी सारे काम करूँगी। थोड़े थोड़े करके काम करती हूँ ना तो फिर निपट जाता है। और इधर कुछ कपड़े हैं जो मैंने ठीक ठाक करके रख दिया है, और एक साड़ी है जो ग्रीन वाला, वो मुझे मेरे दूसरे अलमीरा में रखना है। मैं सोच रही हूँ मेरे जितने भी कपड़े हैं ना, वो सारे कपड़े मैं दूसरे वाले अलमीरा में रखूँ, लेकिन पता नहीं इस अलमीरा में घुसी पड़ी जाती हूँ मैं। और जो मैंने ये मैंगो डिलाइट बनाया था ना, तो ये बहुत बेकार सा लग रहा था, लेकिन बना बहुत टेस्टी था। इसका शेप नहीं बन रहा था, शेप बहुत गड़बड़ा गया था। और लास्ट में मैंने नारियल का जो पाउडर है उसको दिया, तो वो भी बहुत मज़े का बना। प्रियतम को भी दिया है, और इधर हमारा भात बन के रेडी हो गया है। और आज मैंने खाने में बनाया है राजमा, तो आज का राजमा ना बहुत यम्मी बना था, बहुत ही बस राजमा ही बनाया है मैंने, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। ये देखो हमने रात को भी बहुत अच्छे से खाया, क्योंकि ना रात को थोड़ा सा आलू फ्राई किया और ये हमारा राजमा बस बन गया। कि जब राजमा बनता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि रात को भी हम राजमा ही खाए, क्योंकि बहुत यम्मी बना था। और आप सबके ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। अभी के लिए बाय बाय।